और ये अभी से डरने लगे हमारे मंगल भैया, ये देख लीजिए। और यार रजत भैया ये कब तक पहुंचेंगे, यही टेंशन में है। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग गाइज, अभी रात का बज रहा है 11 और अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम फ्रॉम अहमदाबाद से घूमने के लिए पावागढ़, जो कि हम लोग टूर के सहारे जा रहे हैं। टूर के बंदे जो भी हैं हमारे कंपनी के बंदे हैं, सभी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी बस आ रही है, कुछ दोस्त उन्हें लेने गए हैं। अभी रात के 11 बज रहा है, बहुत ही मज़ा आने वाला ब्लॉग के अंदर। एंड तक आप बने रहिए और मैं आपके अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मैंने बता दिया आपको मैं पावागढ़ जा रहा हूँ, और भी तीन जगह और जाऊँगा। अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड जब जहाँ भी जाऊँगा एक एक ब्लॉग सबका मिलेगा। एक के अंदर सारा वीडियो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जैसे कि गाइस मैंने आपको बता दिया पावागढ़ जा रहा हूँ। अब मेरा दोस्त बताएगा फ्रॉम सेकंड फर्स्ट थर्ड कहाँ कहाँ जाना है, बता। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो हमारे यूट्यूबर, आइए हम अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। और हमारे साथ में मित्रगण और भी हैं, 10-15 लोग इधर से साथ में जा रहे हैं अहमदाबाद से पावागढ़ के लिए। ठीक है, तो हमारी जर्नी को हैप्पी बोलें सभी लोग, और टूर और का ब्लॉग में आपको हर जगह का सीन आपको देखने को मिलेगा। ब्लॉग का भी मजा लगा, ब्लॉग अच्छा लगे ना आपको तो कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग के अंदर कौन सा सीन अच्छा लगा। जी अगर गलती हो उसका भी कमेंट करके बताना कि कौन सी कहां पे मिस्टेक हो रही है। दोस्त बस को लेने गए हैं, जो कि अभी लेके आएंगे तो आपको उसको भी बताएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11, नाइट में हम लोग नाइट में निकलने वाले हैं। हमारी बस आ चुकी है और फ्रॉम हमारे दोस्त ऊपर चढ़ने लगे। अब हम भी बहुत जल्द जाने वाले हैं, अपनी सीट ग्रहण करने वाले हैं। आपको आगे से फ्रंट बस को लोग दिखा देते हैं, गुजरात की जैसे कि आपको पास है आप देख सकते हैं। और हम इसी से बस से जाना जा रहे हैं टूर पर, वो भी हमारा फर्स्ट टाइम का टूर होने वाला है, बहुत ही मस्त होने वाला है। फाइनली गाइज हम देख सकते हैं आपको आ गए यहाँ पे पावागढ़ की सीढ़ियों पे। शायद अपन 50% आ गए होंगे ऊपर। हाँ 50% के करीब ऊपर आ चुके हैं, 50% हमको और ऊपर जाना है। पीछे के ब्लॉग आपको बैक के रिवर्स में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको यहाँ पर क्वालिटी नहीं आ रही होगी, उसके लिए मुझे खेद है। और वैसे भी आप कुछ मेरा कुछ कर नहीं सकते, क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको कुछ यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ आपको पीछे दिख रहा है पूरा बादल ही बादल है, जो नीचे से आप बादल देखते हैं मैं उस बादलों के ऊपर हूँ। और आपको बैक कैमरे से यहाँ दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा। और अभी आपको जो पहाड़ पावागढ़ है इसके ऊपर जो पहाड़ बोलते हैं उसके ऊपर तालाब, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत मस्त। तो अभी आपको बैक कैमरे से नज़ारा यहाँ दिखाते हैं, पता पीछे आपको मेरे सिवा कुछ नहीं दिख रहा होगा, ओनली वाइट ही वाइट दिख रहा है बादल, जो कि बादल है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बैकग्राउंड चेंज मैंने नहीं किया है। मैंने आपको जो भी दिख रहा है वो भी डिजाइन दिखाऊंगा आपको बैक कैमरे से, जो अभी आपने आगे के ब्लॉग से ब्लॉग दिखा है वो फ्रंट कैमरे का था। अभी बैक कैमरे का मैं आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ काफ़ी मस्त, और आपको ये सब दिख रहा है, ये कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, ओनली बादल ही बादल। अरे मंगल और रजत भैया आ रहे हैं दोनों, देखो देखते देखते ये लोग पता क्या देख रहे हैं, इससे ऊपर जाना है हम लोगों को, बादल के सिवा में कुछ नहीं दिख रहा है। और ये अभी से डरने लगे हमारे मंगल भैया, ये देख लीजिए। और यार रजत भैया ये कब तक पहुंचेंगे, यही टेंशन में है। चलो और मिलते हैं आपको आगे, दिखाते हैं ब्लॉग के साथ, कंटिन्यू रहिए। यहाँ पहाड़ ऊपर कितना ऊपर से ऊपर जाने वाले हैं। और हमारे भैया कुछ दो शब्द बोलेंगे कि ओनली इनके पास ओनली वही शब्द है, हिम्मत नहीं है अब कुछ बोलने की। इससे अच्छा मैं आपको बैक कैमरे का व्यू दिखाता हूँ, खूब मस्त। ये देखिए कितना मस्त व्यू। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ धुआं के अलावा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो बादल होते हैं वो अपन नीचे से देखते हैं ना, ओनली जो बादल वाइट आपको दिखते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा इन लोगों को, कमेंट करने में लग जाए कि ये सब मुझे समझा रहे हैं। बता रहा हूँ जो बादल नीचे से दिखते हैं वो बादलों के हम लोग ऊपर हैं, सोच सकते हैं आप, मैं बादलों के ऊपर हूँ, कितने ऊपर देख सकते हैं आप वाइट के बादलों के अलावा। यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, वाइट ही वाइट बादल दिखेगा। बहुत थक चुके हैं अब यहाँ पे भैया, और हम बैठ के रेस्ट करेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे माता जी के, फिर बाद में दर्शन करेंगे। और आपको यहाँ पे व्यू देख सकते हैं ना, ये बैकग्राउंड नहीं है, ये हम बादलों के ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं इस साइड,
पीछे दुकान है और इस साइड देख सकते हैं आप जिन पब्लिक आ रही है वो भी काफ़ी मस्त। मैं आपको इधर का व्यू दिखाता हूँ। प्रसाद ले लिया है हम लोगों ने, बस अब अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुँचने ही वाले हैं सभी लोग। कभी कुछ लोग तो आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे हैं और कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं। फाइनली गाइज मैं माता के दर्शन पे, माता के मंदिर पे फिलहाल आ गया हूँ देख सकते हैं। और जहाँ जो माता मंदिर है, जहाँ माता विराजमान है, वहाँ तो मैं वहाँ पर कैमरा एंड मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है। इससे अच्छा मैंने तो सोचा आपको यहीं एक ब्लॉग दिखा दूँ। इतना आपको मंदिर देख सकते हैं, हाइट है यहाँ पे और कुछ आपको दिखेगा नहीं। और इधर का अगर बात किया जाए तो यार देख लेना, कुछ नहीं बैकग्राउंड चेंज करा है, आप ही तो यही समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हाइट पूरा बादल ही बादल है और हम लोग पूरे भीग चुके हैं। पता नहीं है, देख सकते हैं, पता नहीं है कि पसीना से भींजे या उससे भींजे है। बारिश बिल्कुल धीमी धीमी, आप गाड़ी देख सकते हैं, वाइट वाइट बाल भी हो गए हैं देख सकते हैं। 2018 में आया था लेकिन 2023 आ गया तो यहाँ पे बहुत अलग देख सकते हैं आप। आपको व्यू पूरा मंदिर का बाहर से दिखाएंगे, वो भी मस्त। आवाज स्लो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे धुएं धुआं इस वजह से मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकता है। देख सकते हैं आप जितना भी है, आपको जैसा भी है वैसा दिखाएं। काली माता का मंदिर है पावागढ़ पर, एक बार आइए मेरी तरफ से, आप एक बार जरूर आना, देख सकते हैं यहाँ का भी। आप जब भी आएंगे यहाँ पे आप ऐसा ही यहाँ का व्यू रहने वाला है, कितना मस्त है। और हमारा इधर राजीव जो कि हिला गया था कुछ पल के लिए, खो गया था लेकिन अब मिल गया है। और इनको जितने के हमारे इधर सभी साथ में है और देख सकते हैं कितना मस्त। और एक सेकंड इधर भी है मंदिर जो कि दूरी एक दुकान सी है, कोई मंदिर सा है, आपको मैं अभी वहीं पे जाके दिखाएंगे। और आप देख लेना मैन काली माता का मंदिर, ये मैन है अपना। हमें माता रानी के दर्शन हो गए हैं कंप्लीट, काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। और मैं 2018 में यहाँ पे आया था और 5 साल के अंदर यहाँ पे इतना कुछ अपडेट हो गया मोदी जी की कृपा से, बहुत यहाँ पे बहुत कुछ अपडेट हुआ, बहुत काफ़ी मस्त मंदिर भी बन गया वहाँ पे, जो व्यवस्था भी थी और भी है। और मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बन गया। आपको बता दूँ यहीं पावागढ़ के बारे में, मोदी जी ने जो कि 500 साल बाद यहाँ पे ध्वज की स्थापना हुई, काफ़ी मस्त। और जो कि आपको जैसे कि पहले मैं 2018 में यहाँ पे आया था जब मोबाइल भी अलाउ नहीं था, लेकिन पहले मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया कि आपको नहीं दिखा पाऊँगा इसके लिए सॉरी। फिलहाल मैं आपको काफ़ी मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं और मेरा ही ब्लॉग खत्म। और आपको पीछे का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत थक चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं आपको पीछे का व्यू। और यहाँ पे सारा ये व्यू घुमा के दिखा दीजिए, कितना मस्त आ रहा है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और एक जय माता दी का कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।